हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस टाइटेनियम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में बिहार कांस्टेबल के लिए लेक्चर नंबर 1 को देख चुके थे करेंट अफेयर्स का। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि करेंट अफेयर्स को हम लोगों ने जनवरी से स्टार्ट किया हूं और हो सके तो दिसंबर के भी आपको पूरा कवर करा दूं और टिल द एग्जाम डेट, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक पूरे करेंट अफेयर्स को डिटेल वे में कवर कराने की कोशिश करूंगा। हर एक क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग बेशक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं खुद के अपने नोट्स लिखा हूं उसके थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और एकदम गारंटेड है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कंटेंट है, इसको आप बेनिफिट के यूज करिए। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 है, इससे पहले एक लेक्चर्स को हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उस लेक्चर्स को जाकर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी 35-40 के आसपास क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। बिहार कांस्टेबल का जो 21,000 की भर्ती आई है, अगर आपको इसमें सफलता लेना है, एक सीट प्राप्त करना है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है, तो करेंट अफेयर्स जो है 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो करेंट अफेयर्स छोड़कर आप एग्जाम में सफलता नहीं पा सकते हैं, तो करेंट अफेयर्स आपकी जान है। इसके अलावा हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस भी करवाऊंगा समय को रहते हुए। फिलहाल करेंट अफेयर्स को जितना जल्दी हो सके हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे करते करते हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और अपने अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल आप जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और पढ़ने की कोशिश करिए। 8 से 9 घंटा डेली बेसिस से पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आगे चलकर किसी भी तरह की कठिनाइयां से दूर रहना पड़े, क्योंकि आपके माँ बाप का एक ही सपना है, आपका एक ही सपना है कि सरकारी नौकरी कैसे पाएं। तो सरकारी नौकरी पाना है तो आपको 8 से 9 घंटे की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह रेना बर्नावी किस देश की अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी, ठीक है। तो रेना बर्नावी विल बिकम द फर्स्ट वीमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू ट्रेवल इनटू स्पेस। तो मैं आपको बता दूं, रेना बर्नावी जो है ये सऊदी अरेबिया से बिलोंग करती है, ये सऊदी अरेबिया की पहली महिला है जिनको अंतरिक्ष यात्रा करने का ये सफलता मिलेगा। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया बहुत ही फास्ट कंट्री है, इसके पहले अगर बात करूं तो 2011 या 12 में महिलाओं को वहां पर गाड़ी चलाने के लाइसेंस प्रोवाइड करवाया गया था। तो सोचिए 11, 12 या 15 के आसपास के टाइम था और मात्र 5 से 7 साल में लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा यह फास्ट है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि सऊदी अरेबिया में 2027 का AFC, ठीक है, AFC एशियन कप का आयोजन भी आपको 2027 का कहां पर होने वाला है, ये भी आपको सऊदी अरेबिया में ही होने वाला है। ये इस पॉइंट को एकदम नोट डाउन करके चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस सुरक्षा बल को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। अमित शाह प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो आपको बता दूं, अमित शाह ने हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो प्रदान किया है हरियाणा पुलिस को, याद रखिएगा हरियाणा पुलिस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और आपको याद रखना होगा कि अमित शाह हमारे देश के कौन से मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय इनको मिला है, ठीक है। ये कौन सा मंत्री है, ये गृह मंत्री है, यानी कि होम अफेयर्स इनको मिला हुआ है। हरियाणा पुलिस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डिटेल में इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र भूषण 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड फॉर द महाराष्ट्र भूषण 2023 अवार्ड। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र भूषण 2023 का पुरस्कार जो मिलने वाला है वो दत्तात्रेय नारायण को मिला है, ठीक है, किसको, दत्तात्रेय नारायण। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, होता है कि 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जिसको सम्मानित किया गया उनका नाम है अप्पा साहेब, याद रखिएगा, इसको हिंदी में ही मैं लिख देता हूँ, अप्पा साहेब इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अप्पा साहेब, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आगे बढ़ते हैं।
फास्ट तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि टाइम लैप्स करने से बेनिफिट नहीं है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही बेनिफिट और बहुत कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिटेल में देखिए, शांतिपूर्वक देखिए, हेडफोन लगा कर देखिए और एक कोने में बैठ पड़िए, ताकि आपको कहीं भी घर में, अगर घर में भी हो तो आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस का सामना नहीं करना पड़े। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके चलिएगा। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the new president of ICAI? तो ICAI के नए जो प्रेसिडेंट बनकर आए हैं उनका क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग चलिएगा। इस एग्जाम में डायरेक्ट रूप से यहाँ से पूछने की संभावना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, होगा अनिकेत सुनील। ठीक है, अनिकेत सुनील जो है ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ICAI का फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और अभी जो है ICAI के जो नए अध्यक्ष के रूप में बने उनका नाम है अनिकेत सुनील। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रहिएगा, पढ़िएगा इसको, अनिकेत सुनील, इस पॉइंट को आपको याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जनवरी 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब किसे दिया गया है? आपको बता दूं कि ICC जो है हर मंथ एक प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित करने कर रहा है। ठीक है, हर मंथ, अभी हाल ही में ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो 2023 के जनवरी मंथ के लिए सुमन गिल को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? सुमन गिल को। अब यहाँ पर आपको ICC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें ICC का, तो ICC का जो हेडक्वार्टर है वह दुबई। क्या है? ICC का हेडक्वार्टर क्या है? दुबई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा थोड़ा स्टैटिक पॉइंट्स को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। स्टैटिक पॉइंट्स को भी धीरे धीरे करके हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वह निम्नलिखित में से किस पेशे से जुड़ी हुई थी? ललिता लाजमी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन? तो ये बता दूं कि ललिता लाजमी जो थी एक पेंटर थी। इसका मतलब किसके अंतर्गत आएगा? ये आर्टिस्ट के अंतर्गत आएगा। यानी यहाँ पर लिख देता हूं मैं पेंटर, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पेंटर। इसके अलावा एक और व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम है तुलसीदास बलराम। क्या नाम है? तुलसीदास बलराम इनका नाम है। और तुलसीदास बलराम जी जो थे वो क्या थे? फुटबॉल के प्लेयर थे। ठीक है, ये फुटबॉल प्लेयर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, एक तो ललिता लाजमी का नाम आप याद रखेंगे, और दूसरा नाम जो याद रखेंगे तुलसीदास बलराम का भी नाम आपको याद रखने की जरूरत होगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा PM श्री योजना लागू करने की घोषणा की गई है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM श्री स्कीम? PM श्री स्कीम जो है लॉन्च करने वाला एक जो सरकार बनी है उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के CM अभी कौन है? तो महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM की अगर आपसे बात किया जाए तो डिप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। ये चुटकियों में आपके माइंड में ये सेट होने चाहिए कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उस तरीके से आपको भी याद होने चाहिए। ये सब स्टैटिक पॉइंट है, ये छोटे छोटे स्टैटिक पॉइंट आप एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछा जा सकता है। ये चीज तो बिल्कुल आपको याद होने ही चाहिए, ऐसा ना हो कि ये सब पॉइंट्स ना याद हो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जितना ज्यादा हो सके जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश कर लीजिए, इतना ही बेटर होगा। आपको स्टेट कैपिटल पता होना चाहिए, आपको ये सारे किस किस राज्य के कौन कौन से गवर्नर है ये भी पता होना चाहिए, किस राज्य के कौन से चीफ मिनिस्टर ये भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ कैपिटल और कंट्री और कैपिटल भी पता होना चाहिए, और कंट्री का करेंसी भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे जो है स्टैटिक पॉइंट से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये सारे पॉइंट्स कवर जितना जल्दी हो सके कर लो, वरना आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है आपको एग्जाम में। ये सबसे दो तीन क्वेश्चन छुटपुट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और यही धीरे धीरे करके आपका मेरिट डिसाइड करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र के बारे में बात किया है। तो महाराष्ट्र में एक एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है महाराष्ट्र में? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट।
ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, याद रखिएगा। और इसके अलावा महाराष्ट्र में एक पोर्ट भी है जिसका नाम है मुंबई पोर्ट, क्या नाम है इसका, नाम है मुंबई पोर्ट, ये भी याद रखना है। तो महाराष्ट्र से दो पॉइंट याद रखना है कि महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है और महाराष्ट्र में ही मुंबई पोर्ट है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपको कमेंट करके ये बताना है कि महाराष्ट्र में आपके दिमाग में कौन कौन से वहां पर स्टेडियम है, ठीक है। बार बार क्रिकेट स्टेडियम वहां पर मैच होते हैं वो देखने को मिलता है, क्रिकेट का स्टेडियम है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से महाराष्ट्र में जो इंपॉर्टेंट क्रिकेट के स्टेडियम है या फिर कोई और भी स्टेडियम है, तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे पार्टिसिपेट करने से आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, आपको पढ़ने की क्षमता जगेगी और आपको एक पढ़ने का एक अलग मजा आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया विल अवार्डेड द यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये जो मिल रहा है ये महेंद्र कुमार मिश्रा को मिल रहा है, ठीक है। महेंद्र कुमार मिश्रा को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एक चीज और बता दूं कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग कब मनाते हैं, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग मनाते हैं 21 फरवरी को। किस कब मनाते हैं, 21 फरवरी को। और इस बार का जो थीम भी है, ठीक है, इस बार का थीम है नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, याद रखिएगा। इस बार का जो थीम है याद रखिएगा नेसेसिटी, ठीक है, ये नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ, एकदम एग्जाम में छपने वाला है ये क्वेश्चन, एकदम छप सकता है, तो इसका थीम भी याद रखना है। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम लोग 21 फरवरी को मनाते हैं और इसका जो थीम है नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन होगा, ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रीवा हवाई अड्डे का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। रेवा एयरपोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट, तो आपको पता होगा रेवा के नाम से ही आप लोग बिल्कुल वाकिफ होंगे। तो रेवा जो है कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में हमारे उड्डयन मंत्रालय कौन है, किसके पास है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है और वे मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ही यहां पर मध्य प्रदेश में रीवा हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा। अब यहां पर मध्य प्रदेश का नाम आया तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए मंगू भाई छगन भाई पटेल है। अगर किसी क्वेश्चन का मैं आंसर गलत दे देता हूं बाई चांस, अगर मिस्टेकली मुझसे गलत हो जाता है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर आप यहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, और बाकी बाद में उसको मैं फैक्ट चेक करूंगा और उसके बाद उस क्वेश्चन का करेक्टनेस मैं कमेंट बॉक्स में जरूर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को जब भी आप देखिए तो एक बार कमेंट सेक्शन को भी प्रोवाइड देखिए कि क्या मैं कोई ना कुछ ऐसे चीजों का क्या मैं पिनअप किया हूं या नहीं पिनअप किया हूं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखने की आपको जरूरत है। चलिए चलिए कुछ टेक्निकल एरर था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। हम लोग बात कर रहे हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का, तो विच फिल्म हैज बीन गिवन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया कश्मीर फाइल्स को, ठीक है, कश्मीर फाइल्स को। लेकिन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से आपको तीन क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, एक आपको पूछेगा बेस्ट एक्टर पूछेगा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा, एक आपसे पूछ सकता है बेस्ट एक्ट्रेस पूछेगा और बेस्ट एक्ट्रेस पूछ सकता है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसमें पूछ सकता है फिल्म ऑफ द ईयर, ठीक है, क्या पूछ सकता है फिल्म ऑफ द ईयर, ये भी पूछा जा सकता है। ये तीन पॉइंट बिहार वासियों याद रखना, बिहार वालों तीन पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको पहला होगा, इसका आंसर होगा रणबीर कपूर। बेस्ट एक्टर्स की बात किया जाए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को, किस मूवी के लिए, जानते हो ना किस मूवी के लिए, जी हाँ ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सेरेमनी में, ठीक है। इसके बाद बात करें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिला है तो रणबीर कपूर की वाइफ है आलिया भट्ट, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ रहा है फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया, तो एक मूवी है जिसका नाम था RRR को, RRR के मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट को भी याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आपको छपने की संभावना है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी पुरानी तो जरूर हो गई है लेकिन हमारे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला ये पल था जब नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उस दिन हमारे भी दिल जो है
छप्पन इंच का जो सीना होता है वो 60 इंच का सीना हो गया था। और आपका भी होगा, हर भारतीयों का होगा कि भारत के भारत एक ऐसी पहली बार शायद हुई थी जिसमें भारतीय गाना को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शायद ये पहली या दूसरी थी, मुझे दिमाग में नहीं है, जो भी होगा इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आपकी बात करते हैं। तानसा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? इन विच स्टेट तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो तानसा जो है ये महाराष्ट्र में है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपको महाराष्ट्र में होगा। अब आप यहां से पूछ रहे होंगे, सर ये कैसे कैसे वन्य जीव, कैसे कैसे अभयारण्य के बारे में आप बता रहे, क्या ये पूछेगा? जी हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए उठाया हूं क्योंकि ये जो अभी हाल ही में न्यूज में काफी देर तक ये बना हुआ था। जो भी क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट अभ्यारण हो, जो भी इंपॉर्टेंट चिड़ियाखाना हो, जू हो, या फिर कोई पार्क हो, जो भी न्यूज में बना रहेगा वो आपके एग्जाम में जरूर उसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ये सारे पॉइंट्स जो फैक्ट होता है, यही दिमाग को चेक करने का जरूरत होती है कि कौन से क्वेश्चन को पढ़ें, कौन से क्वेश्चन को नहीं पढ़ें। आप लोग क्या करते हैं कि पूरे जो भी आपके बुक्स में लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो आप तो रटे हुए होते हैं, लेकिन जो न्यूज में बना होता है वो अभ्यारण के बारे में आपको पता नहीं होता और वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और आप जाकर वहां पर फंस जाते हैं। इस चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन में बच कर रहिएगा। ये फंसाने की कोशिश किया जाता है, वैसे क्वेश्चन ना पूछकर जो न्यूज में है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ताकि आप इसमें क्या करें, फंसे। ठीक है, चलिए फंसे। आइए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्मा गार्जियन 2023 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? फोर्थ एडिशन ऑफ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2023 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो आपको पता होगा कि धर्मा गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच होने वाले एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाले ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान होगा। जापान की कैपिटल कहां पर है? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी आपसे पूछेगा तो आपको बोलना है जापान की करेंसी है येन। ठीक है, तो जापान की कैपिटल कहां है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। और जापान के जो पीएम है उनका नाम है फुमियो किशिदा। क्या नाम है? फुमियो किशिदा। याद रखिएगा, फुमियो किशिदा जो है वो जापान के प्राइम मिनिस्टर है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये बार बार माइंड में रिकॉल करिए, उससे आपको क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चंस की बात किया जाए। अच्छा, एक और नाम याद रखना, डस्टलिक। ठीक है, डस्टलिक एक एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये इंडिया और किसके बीच में होता है? ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है डस्टलिक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूट्यूब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा कि हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ बनकर आए हैं। यूट्यूब के जो नए सीईओ बने उनका नाम है नील मोहन। ये क्या नाम है इनका? नील मोहन। आपको क्या पता है कि यूट्यूब कब बना था? यूट्यूब का एस्टेब्लिशमेंट किस वर्ष में हुई थी? जी हाँ, यूट्यूब का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2005 में। याद रखिएगा, यूट्यूब का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2005 में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला या फिर मेघालय? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला। ठीक है, केरला में है। एक और मैं आपको बता रहा हूं जो पूछ सकता है, नागर होल टाइगर रिजर्व। ठीक है, नागर होल टाइगर रिजर्व ये कहां पर? ये भी न्यूज में था, तो ये क्वेश्चन हो सके आपसे पूछ दे। तो नागर होल टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है? कर्नाटका में है। याद रखिएगा, कर्नाटका में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दो मैंने आपको यहां पर टाइगर रिजर्व बताया, एक पेरियार टाइगर रिजर्व और दूसरा मैंने बताया नागर होल टाइगर रिजर्व। दोनों टाइगर रिजर्व आपके दिमाग में फंसे होने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चैटबोर्ड चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबोर्ड का नाम क्या है? What is the name of the India's first chat GPT powered AI chatbot? इसका नाम है Lexi। क्या नाम है इसका? Lexi है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? Lexi होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वुल्फ पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है? ठीक है, वुल्फ प्राइज इज एन अवार्ड गिवन बाई विच कंट्री? देखिए, कितने गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, फैन बंद है, उसके बाद मैं अपने तरफ से 100% पोटेंशियल देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको भी पढ़ना होगा और हमारा सपोर्ट भी करना होगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम हैं और हमारे सपोर्ट से आप हैं। जब तक हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे का प्यार नहीं बनाएंगे, तो हमें ना हम ग्रो कर पाएंगे ना आप ग्रो कर पाएंगे। हम एज ए टीचर ग्रो करना चाहते हैं, आप एज ए स्टूडेंट ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करता हूं, आप हमारी हेल्प करिए, ताकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्रॉपर वे में बनी रहे। ठीक है, तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और भी ज्यादा लोग तक ये पहुंचे और वीडियो का रीच डे बाय डे बढ़े। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इजराइल।
ठीक है, इसराइल होगा। ठीक है, वुल पुरस्कार जो है इसराइल के दिया जाने, इसराइल कंट्री के द्वारा दिए जाने वाला एक विशेष पुरस्कार है जिसका नाम है वुल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हु अमंग्स द फॉलोइंग एज इट्स नेशनल एम्बेसडर? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो बताना है हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके अलावा याद रखना यूनिसेफ जो है ये आयुष्मान खुराना को, ठीक है, आयुष्मान खुराना को नेशनल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी? ये बनाया जा रहा है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के कैपिटल कहां पर है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम कौन है? तो आपको बताना है मनोहर खट्टर या फिर कोई खट्टर करके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, खट्टर भी याद रखें तो आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम सेलिब्रेट्स देयर स्टेट हुड डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है 20 फरवरी को क्या मनाते हैं? अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा याद रखना 19 फरवरी को हम लोग वेल डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? 19 फरवरी को हम लोग वेल डे के रूप में मनाते हैं। और याद रखना कि 27 फरवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? तो 27 फरवरी को हम लोग एनजीओ डे के रूप में मनाते हैं। ये तीन डे मैंने बताया, 20 तारीख को हम लोग मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम डे का फाउंडेशन डे, 19 फरवरी को वेल डे और 27 फरवरी को हम लोग एनजीओ डे के रूप में मनाते हैं। पूरे फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाकर बसे और अच्छे तरीके से आप उसको क्या करें, गेन कर सके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हजीरा बंदरगाह किस राज्य में है? हजीरा बंदरगाह किस राज्य में है? तो हजीरा बंदरगाह जो है गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। इसके अलावा भी गुजरात में कुछ और पोर्ट हैं और ये दोनों तीनों पोर्ट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात में और कौन कौन से पोर्ट हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बीवीआर सुब्रमण्यम को। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो इनका नाम बताना है आपको सुमन बेरी। क्या नाम है इनका? सुमन बेरी। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है, तो नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है उनका नाम है नरेंद्र मोदी, यानी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही नीति आयोग के चीफ मिनिस्टर होते हैं, सॉरी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिटेल वे में सारे पॉइंट्स को मैं इंपॉर्टेंट तरीके से सिंपल वे में कवर करने की कोशिश किया हूं। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। किसे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री? नियुक्त किया गया है राजेश राय को। ठीक है, राजेश राय को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी बोल सकते हैं, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। किसको? राजेश राय को। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। I2UT की पहली उप मंत्रालय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? विच कंट्रीज विल होस्ट द फर्स्ट वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द I2U2? ये करेगा UAE के द्वारा। ठीक है, अच्छा I2U2 का फुल फॉर्म आपको पता है क्या? जी हाँ, इसका होता है इंडिया इजराइल। ठीक है, इंडिया इजराइल, इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, और क्या हो गया, और तो हो गया ना I2 हो गया और U2, एक तो UAE हो गया, ठीक है, एक UAE हो गया और एक हो गया आपका USA। ठीक है, ये चार होते हैं, I2 मतलब ये इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब होता है UAE और USA। ठीक है, ये दोनों के बीच में उप मंत्रालय बैठक जो मेजबानी जो कर रहा है वो UAE के द्वारा किया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? इंडियन रेलवे हैज कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स इंटायर ब्रॉड गेज नेटवर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स?
ये क्या है आपको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड एज द अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो सम्मानित किया गया टी के रंगराजन को। ठीक है, टी के रंगराजन को एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। HD3385 किस फसल की एक किस्म है? HD3385 इज ए न्यू वैरायटी ऑफ विच क्रॉप्स? तो HD3385 जो है वो वीट है, ये क्या है, गेहूं का एक फसल है। याद रखिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हो सके आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दें। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, याद कर लेना ही आपके लिए बेटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक के जो नए प्रेसिडेंट बनकर आए उनका नाम है अजय बंगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा। देखो बच्चों एक चीज बता रहा हूं कि अभी मैं करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ा रहा हूं। एक समय ऐसा होगा कि करंट अफेयर्स को मैं 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन मैराथन भी लेकर आऊंगा और उसमें आपको रैपिड फायर करवाऊंगा और देखूंगा कितना जल्दी कौन बच्चा आंसर दे पाता है। ठीक है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है ना, ये तो नए चीज को मैं पढ़ा रहा हूं। एक समय ऐसा आएगा कि जब डिटेल वे में अब मैं पढ़ाने के लिए छोड़ दूंगा, उसके बाद आपसे सिर्फ क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास 5000, 6000, 10000 के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बंडल तैयार हो जाएंगे ताकि हमको एग्जाम अगर आए तो सारे क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो। कहीं से भी पूछो मैं तैयार हूं। ठीक है, एक गाना आपने सुना होगा, मैं तैयार हूं मैं तैयार हूं, किसके द्वारा गाया गया है आपको बताना है। ठीक है, उज्जवल पाटनी के द्वारा एक गाना है, मैं तैयार हूं, आप सुनिएगा, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत ऊर्जावान है, आपके अंदर से ऊर्जा बढ़ जाएगा, उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ड्रग कंट्रोल जनरल के रूप में ये राजीव सिंह रघुवंशी को। ठीक है, राजीव सिंह रघुवंशी को नए ड्रग कंट्रोल जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2022 के EY Entrepreneur अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded as the EY Entrepreneur of the Year? चलिए यहाँ पर आंसर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर मैं छुपा देता हूँ, शायद अगर आपको दिख भी रहा हो तो ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, साजन जिंदल को। ठीक है, साजन जिंदल को 2022 का EY Entrepreneur अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत यहाँ पर आपको बच्चे नहीं होगा। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हूं फास्ट तरीके से जितना जल्दी हो सके कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर कर सको। ठीक है, चलिए चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी है जो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में छपेंगे। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन क्लास वन विच हैज बीन रिसेंटली फिक्स्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो ये जो है कक्षा एक में अगर आपको प्रवेश करना है, आपके बच्चे को प्रवेश करना है, तो कम से कम आपको 6 साल की उम्र होनी चाहिए तभी आप कक्षा वन में प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 ईयर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 ईयर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। झोंगझिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया है, झोंगझिंग 26 लॉन्च बाई विच कंट्री? तो आपको पता होगा झुआंग झुंगझांग ऐसे जो नाम आते हैं वो सारे नाम चीन के ही होते हैं। चीन के कैपिटल कहां पर है? बीजिंग है। चीन के करेंसी क्या है? रेमबिनी है। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग है। एकदम मुंह पे याद होना चाहिए, मैं मतलब पूछ रहा हूं और आपके यहां से दिमाग से फ्लक्चुएट हो रहा हो, फ्लक्चुएट हो रहा हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है। किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर जो किया गया है वो उसका नाम कर दिया है वो औरंगाबाद। औरंगाबाद पहले नाम था, औरंगजेब के नाम पर इसे बनाया गया है था, औरंगजेब औरंगाबाद का नाम अब चेंज कर दिया गया है, औरंगाबाद का नाम होगा छत्रपति संभाजी नगर। तो याद रखिएगा छत्रपति संभाजी नगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। डेजर्ट फ्लैग 8 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसके पहले मैंने आपको डस्टली भी बताया था और ये जो होगा आपको UAE के द्वारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन और है, 15 मिनट 10 मिनट और रुकिएगा, खत्म करके ही मैं जाऊंगा, मुश्किल से 5 मिनट और होगा शायद। ठीक है, 2023 मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु इज द विनर ऑफ मार्कोनी प्राइज 2023? तो मार्कोनी प्राइज 2023 से जिसको सम्मानित किया गया उनका नाम है हरि बालकृष्णन। याद रखिएगा हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डिटेल में। देखो अगर करेंट अफेयर्स की बात करें तो क्या क्या पूछता है, अवार्ड आपसे पूछ सकता है,
आपसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे इंटरनेशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे नेशनल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ऑबिचुअरी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, यही 5-7 क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। इसके अलावा थोड़ी सब चीज पूछेगा, ठीक है, सब चीज नहीं पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चंस हो गया था, आइए अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में शिव गोमा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। देखो इस तरह का उद्घाटन करने वाला जो हवाई अड्डे के क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले एक डोनियो पोलो उद्घाटन हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा गया था, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा था। इसलिए शिवगोमा हवाई अड्डा का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया आपको कर्नाटका में, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कर्नाटका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करा दिया हूँ, अगले सेशन में फिर से मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और आपको पता होगा कि जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टिल द एग्जाम डेट आपके करंट अफेयर्स को हर एक क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको सपना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और मेहनत करिए। मैं तो आपके साथ हूं ही, आपके साथ हूं ही, ठीक है, मेहनत करना आपकी जिम्मेवारी है। बाकी तो मैं आपको कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसा कि आपको लग ही रहा होगा, ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी वीडियो